ये देखो मैडम को लग रही है धूप, और कह रही है मैं कर्टन डालूंगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये इसको सिखाया है मिस्त्री ने, क्या कर्टन डाल। वाह चिकू वाह, वेरी गुड। बस अब धूप गई है, अब आ जाओ ऊपर, आ जाओ, गई धूप। गार्डन में एक नई वेजिटेबल आई है जो कि मिष्टी ने लगाई थी। चीकू ने भी, और चीकू उसको ना बॉल समझ के खेल रही है। मैं दिखाती हूँ कौन सी वेजिटेबल है वो। ये हमारी येलो कैप्सिकम, ये मिष्टी ने लगाई थी और तुक्के से लगाई थी, तो बड़ा शौक है मेरे जैसे गार्डनिंग करने का। और एक हमारे पास आई है ये ग्रीन कैप्सिकम। चीकू ये क्या है कैप्सिकम ना, उनको लग रहा है बॉल, ये बचा के रखना पड़ता है, ये ना खींच देती है उसको। ये हमारी रेड कैप्सिकम भी आई थी, बट आई डोंट नो क्या हुआ, अचानक से हम कहीं गए थे एक दिन तो ये सूख गई सारी। मैं एक ही उसमें पॉट के अंदर दो आधी आधी पार्टीशन करके यहाँ ग्रीन लगाई थी और यहाँ येलो लगाई थी, और यहाँ भी इसने येलो वाली डाली है। अभी कुछ निकल रहा है। मिस्टी को किसी भी वेजिटेबल के सीड्स मिलते हैं ना, ये उठा के उसको गमले में डाल देती है, उसको नया शौक शुरू हुआ है। बस करते करते मैडम को याद आया कि इसने अपने प्लांट्स को पानी नहीं दिया, स्वागत है आप लोगों का आज के व्लॉग में। और आज जो है व्लॉग शुरू हो रहा है, कितने कितने बजे, 8:15 बजे तुम्हारे भाई का व्लॉग शुरू हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग काम में बिजी रहते हैं तो भाई कुछ व्लॉग कर नहीं पाते हैं। यही छोटी सी नगरी है हमारी, 10x12 का कमरा है भाई, जिसमें हम लोग अपनी जो है ऑलमोस्ट पूरी पूरी जिंदगी जो है बिता रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा हेयर वेयर को सेट कराया, बता देना कॉमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा हूँ। बियर्ड भी सेट कराया तुम्हारे भाई ने 2 साल बाद, नहीं तो हाथ लगाने देता किसी को, किसी भी हाल में पास नहीं आना चाहिए किसी का हाथ। आज मैं गया, मैंने बोला भाई एकदम सेट कर दे मामला, तो सारी चीजें हो चुकी हैं, सारी चीजें धीरे धीरे कंप्लीट हो रही हैं। आज जीएसटी के अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर ली हैं, कल एक सिलेबस कंप्लीट करा दिया था, और एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि एक ही वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो उसके लिए रिस्पांसिबल जो है ना वो वृंदा है। वृंदा प्लीज, कौन करेगा वीडियो अपलोड, 7 दिन का टाइम चाहिए होता है मेरे को, ठीक है। चलो ठीक है, पॉलिसी के साथ काम किया। और हमारा एक कंपटीशन चल रहा है वर्कआउट को लेकर, जिसमें वृंदा, अभी वृंदा आपको अगले शॉट में दिखा देगी कि उसने जो है कैसे परफॉर्म किया है, राइट। और मैं आपको बता दूंगा इससे पहले भी एक कॉम्पिटिशन होता जो मैं जीत चुका हूँ, तो हम लोग वीकली कॉम्पिटिशन लगाते हैं कौन ज्यादा। गाइस हम लोग अब हर हफ्ते जो कॉम्पिटिशन करेंगे और देखेंगे कौन ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है, कौन सा। हम निभा से कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करती है, सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न करती है निभा, और हम तो नलायक हैं। हम 100-200 कैलोरी बन करके बोलते हैं यस आज दिखाएंगे भाई साहब, उसके 1000-1500 कैलोरी बन हो रहे होते। बट एनीवेज वो कंपटीशन चलता रहेगा, वृंदा आपको बता देगी, 2 दिन में रिजल्ट आएगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है जीवन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हम लोग अब चल रहे हैं घर, और घर पे मिलवाएंगे आपको अपनी 2 बालिकाओं से, चीकू एंड मिस्टी। चीकू की तबीयत थोड़ी सी खराब है, ये रिपोर्ट आई है, और अभी घर पे जो है वो हल्दी लेके जानी है, वो कच्ची वाली हल्दी, और इससे याद आया कि जल्दी चलना चाहिए, अगर कच्ची हल्दी नहीं मिली ना तो भाई साहब मेरी हल्दी बन जाएगी। चलो भाई चलो, 1639 और मेरा कितना चल रहा है, 7-6-4 गली क्रिकेट चल रहा है भाई साहब, यहाँ पे अपार्टमेंट क्रिकेट। भाई स्कोर क्या हो गया? अरे अब ये मैच ही खेल रहे, कुछ हुआ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओहो दैट्स सैड। आ गए हम लोग अब जीएस मार्ट में, द फेमस जीएस मार्ट। वृंदा जीएस मार्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, कुछ भी चाहिए हो वृंदा को कॉन्टेक्ट करें इसके लिए। वृंदा पहले यही जॉब करती थी, डियर कस्टमर। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे क्या रखा है, वृंदा को पता है भाई साहब, सीधा एकदम लोकेशन पे, सीधा एकदम। प्रॉब्लम ये बस मुझे ये नहीं पता कच्ची हल्दी होती क्या। अबे यार अदरक जैसे दिखते हो, ये अदरक है, ये तो अदरक है, दिख नहीं रही है। क्या वृंदा तुमने ना अपनी अपनी पोपट करवा ली, मैं इतना तारीफ करके आया हूँ तुम्हारी, एंड कच्ची हल्दी नहीं मिली है। वृंदा क्या हुआ तुम्हारे एक्सपर्टीज को, इतने साल का जो तुम्हारे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था उसका क्या हुआ? वृंदा कैसे बोलती जब तुम यहाँ पे होती थी? अब वृंदा दिखा रही है अपने टेक्निकल स्किल्स, और जाएंगे हम लोग कच्ची हल्दी लेने सब्जी वाले भैया के पास। भैया रिसेंटली कच्ची हल्दी मिल गई है चीकू के लिए, चलते हैं अब जरा। से शांति नहीं लग रही वृंदा वैसे तुम्हें यहाँ पे, मतलब चहल पहल कम है कंपैरेटिवली। जीएस मार्ट भी थोड़ा खाली सा पड़ा था, दूसरे वाले भैया भी थोड़ा रेस्ट लो ना, थर्सडे को ऐसे रेस्ट मोड कैसे एक्टिवेट, कल आएंगे भाई सब लोग निकल के, फ्राइडे। तो अभी भाई चीकू के लिए जो है दवाई लेने आया हुआ था, दवाई ली डॉक्टर साहब से, दवाई लेने के 5 मिनट बाद निकला ही था और घर से फोन आ गया, मिष्टी की भी तबीयत खराब होने शुरू हो गई है। अरे भाई मौसम खराब है, मौसम। अब देख रहे हैं जा रहे हैं भाई घर पे, अभी तो फिर चीकू के लिए दवाई ले ली है, कल मिष्टी के लिए देखेंगे क्या करना है। ध्यान रखे भाई साहब अपना, ठंड आ रही है, और खासकर जो नॉर्थ इंडिया का जो मौसम है ना, ये सीजन मौसम त्योहार सब चीजें मिलके एक ऐसा माहौल बना देती है कि इंसान बीमार पड़ने लग जाते हैं, तो अपना अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए, ठीक है, इस समय कोशिश कीजिए। ऑल्दो यू नो आई एम ऑल्सो वल्नरेबल टू ऑल दिस थिंग, अब बच्चों को भी है घर में,
तो बस जितना ध्यान हो सकता है भाई उतना ध्यान रखने की कोशिश करिए, बाकी देखते हैं। और आपको एक बात बता दूं, हमारे जो परिया भैया है ना, परिया भैया पैरी भैया, उनकी भी तबीयत खराब चल रही है, खतरनाक वायरल लेके बैठे हुए हैं, खतरनाक। लेट्स सी क्या होता है। हेलो गाइस, दिस इज द मॉर्निंग ऑफ 12th ऑफ नवंबर। अरे यार बाल वैसे तो अच्छे लग रहे थे, वीडियो में अच्छे नहीं आ रहे, बट एनीवेज सुबह के 9 बजे हैं आज फाइनली, जो है थोड़ा सा जल्दी उठ गया हूँ, 2-3 दिन से जो स्केड्यूल बिगड़ा हुआ था, और अब उठते ही आज मैंने डिसाइड किया कि आज तुम्हारा भाई उठते ही जो है ताप पड़ेगा, मतलब बुक रीड करूंगा। यार बहुत दिन हो गए और बुक रीड ढंग से कर नहीं पा रहा हूँ, तो सोचा ये है कि बुक रीड करता हूँ कोई, और आपके लिए कुछ लिखूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। आप लोग भी खूब सारी मेहनत करना, बिल्कुल भी कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मत छोड़ना अपनी लाइफ में, जो चीज आपको आगे बचाती हो उससे रिलेटेड कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मत छोड़ना।